साइकोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, डिसऑर्डर्स के टाइप, किस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन एबनॉर्मल है, और सबसे पहला हमारा टॉपिक ये है कि एबनॉर्मलिटी होती क्या है। तो एबनॉर्मल वर्ड का सबसे पहले हमने समझना है मतलब। तो एबनॉर्मल वर्ड का मतलब होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे यानी कि दूर नॉर्मल से, नॉर्मल से जो बंदा अलग है वो एबनॉर्मल है। उसके बाद एबनॉर्मल बिहेवियर मीन्स डेविएशन फ्रॉम सम क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। कुछ क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करे होते हैं सोसाइटी ने, जो पर्सन उनसे बिल्कुल ही अलग हो। डेवियंस का हम यहाँ पे आगे मीनिंग पढ़ेंगे। ये उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कॉमन फीचर्स, एबनॉर्मल बिहेवियर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट ही है डेवियंस। डेवियंस मतलब डिफरेंट और एक्सट्रीम। एक्सट्रीमली कोई पर्सन अगर डिफरेंट है बाकी सबसे, थोड़ा बहुत सब कुछ होता है, यूनिक होना इज़ डिफरेंट, बट डेवियंस मतलब एक्सट्रीमली कोई डिफरेंट है बिल्कुल, उन सोसाइटीज़ के नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो सबसे पहला फीचर है एबनॉर्मलिटी का। उसके बाद आता है डिस्ट्रेस, यानी कि अनप्लीजेंट हो बंदा खुद के लिए भी और बाकियों के लिए भी। उसके बाद डिसफंक्शन, डिसफंक्शन यानी कि उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ भी अब वो नहीं कर पा रहा ढंग से। उसके बाद डेंजरस, हार्मफुल हो खुद के लिए भी और बाकियों के लिए भी। तो ये 4 D's आते हैं एबनॉर्मल के अंदर। सबसे पहला बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर अलग हो, डिस्ट्रेस यानी कि खुद के लिए भी और बाकियों के लिए भी अनप्लेजेंट हो, डिसफंक्शन अपने ढंग से फंक्शंस लाइफ के पूरे ना कर पा रहा हो, डेली एक्टिविटीज़ भी करने में दिक्कत आ रही हो, डेंजरस खुद के लिए भी और बाकियों के लिए भी हो। उसके बाद कुछ अप्रोचेस एबनॉर्मल बिहेवियर की, कि किस किस तरीके से मतलब लोग ये बोलते हैं कि हाँ ये पर्सन एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले तो डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, यानी कि वो सोशल नॉर्म्स को पूरा ना कर पा रहा हो, वही पॉइंट जो हमने अभी पीछे पढ़ा, सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, नॉर्म सेट किए होते हैं, उनसे वो पर्सन बहुत ही अलग जा रहा होता है। माल अडेप्टिव बिहेवियर, वो अडेप्शन, ये जो अगला पॉइंट है इसी के साथ लिंक्ड है। माल अडेप्टिव बिहेवियर मतलब कि एक तो उसका बिहेवियर खुद के लिए उसके लिए अच्छा ना हो, उसकी वेलबींग को बढ़ाता ना हो, और दूसरा पॉइंट कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कभी भी हमें फीलिंग ऑफ शेम के साथ लिंक नहीं करना चाहिए। रैदर इट इज़ फेलियर इन अडेप्टेशन, कि आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे अपने एनवायरनमेंट में, ये होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। उसके बाद ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इस एबनॉर्मल बिहेवियर के, यानी कि आज हम जो यहाँ पर बैठे बोल रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो इस चैप्टर का नाम है, ये क्या हमें शुरुआत से ये पता था कि इसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है सुपर नेचुरल अप्रोच। सुपर नेचुरल इस वर्ड से ही समझ आ रहा है, ये बात की जा रही है उस टाइम की जब लोग उस बात में मानते थे कि भूत प्रेत कोई किसी के अंदर चले गया, कोई ईविल स्पिरिट किसी के अंदर चले गई, कोई डेविल, कोई कुछ ऐसा राक्षस, किसी की आत्मा, ऐसी कोई चीज़ें जब लोग मानते थे, और उसको ठीक करने का वे उस टाइम पर माना जाता था एक्सॉर्सिज्म। ये वही टेक्निक्स जो भूत भगाने की एंड ऑल ये सब टेक्निक्स आपने किसी पुरानी फिल्मों में देखी होंगी या सुनी होंगी, तो ये चीज़ें उस टाइम पर होती थी। हाँ, माना आज के टाइम पर भी ये अंधविश्वास हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, पर पहले सिर्फ ये अंधविश्वास था। आज एटलीस्ट साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें पता है कि किसी के ब्रेन में कुछ दिक्कत है और उसको एक स्पेसिफिक उसकी ट्रीटमेंट दे के उसे ठीक किया जा सकता है, पर पहले के टाइम पर ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज हमारे पास नहीं थी। उस टाइम पर माना जाता था ये सुपर नेचुरल अप्रोच में कि कोई ऐसे भूत प्रेत, कोई आत्मा होती है किसी के अंदर आ जाती है, और इन सब चीज़ों को माना जाता था सुपर नेचुरल अप्रोच के अंदर। उसके बाद आई बायोलॉजिकल अप्रोच। बायोलॉजिकल अप्रोच में थोड़ी बहुत बुद्धि इंसानों में आने लग गई और उनको ये समझ आ गया कि ये जो बंदा स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी बॉडी या ब्रेन किसी के अंदर कोई वर्किंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, इसलिए वो पर्सन अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ये मानती थी हमारी बायोलॉजिकल अप्रोच। उसके बाद आती है साइकोलॉजिकल अप्रोच, जो मानती थी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय इनएडिक्वेसी इन द वे एन इंडिविजुअल थिंक फील परसीव द वर्ल्ड, यानी कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, फील करते हैं और परसीव करते हैं, उसकी वजह से भी कई बार हमें डिसऑर्डर्स होने के या मतलब मेंटल कुछ भी दिक्कत होने के चांसेस हो सकते हैं। हमारी गलत तरीके से हम कई बार सोचने लग जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा ओवर थिंकिंग, अगर आप किसी चीज़ करने लग जाओ, गलत तरीके से ही हर चीज़ को परसीव करने लग जाओ, तो भी आपको कुछ ना कुछ मेंटल स्ट्रेन होता है। तो ये कहीं ना कहीं यही चीज़ें आगे बढ़ के एक साइकोलॉजिकल कोई बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है, ये मानती थी साइकोलॉजिकल अप्रोच। उसके बाद ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच,
ये दी थी हिपोक्रेट्स ने, सोक्रेटीज ने एट्सेट्रा, इनके इन्होंने माना कि जो हमारा ये बिहेवियर होता है, जो स्ट्रेंज बिहेवियर जिसे हम अबनॉर्मल बिहेवियर कह रहे हैं, वो होता है कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। कन्फ्लिक्ट किसके बीच में? हमारे खुद के इमोशंस और रीजंस की। हमारे खुद के इमोशंस कई बार हमें कुछ और कह रहे होते हैं, हमारे रीजंस हमें कुछ और कह रहे होते हैं। लॉजिकली हम कुछ और सोच रहे होते हैं, इमोशनली हम कुछ और चाह रहे होते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा कर सकता है। उसके बाद गैलन ने ये माना था कि जो इम्बैलेंस होता है हमारे ह्यूमर्स के बीच में, ह्यूमर्स यानी कि कुछ लिक्विड को सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको उन्होंने बताया येलो बाइल, रेड बाइल, ब्लड और फ्लैगम। येलो बाइल, रेड बाइल, ब्लड और फ्लैगम, ये कुछ चार तरीके के हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमर्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, जिनकी वजह से, जिनके अंदर इम्बैलेंस की वजह से हमें डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस चीज़ का। अब उसके बाद हमने पढ़ना है टाइमलाइन कि किस एज में, किस टाइमलाइन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें चल रही थी। ये जो हमने अभी पढ़ा है कुछ कुछ वही लिंक्ड है इसमें, पर वो था हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट वाइज कि लोग क्या क्या मानते थे। अब हमने उसी चीज़ को बेसिकली टाइम वाइज पढ़ना है कि टाइमलाइन के हिसाब से लोग किस चीज़ को कैसे कैसे मानते थे। तो सबसे पहले आती है मिडल एज। मिडल एज के अंदर वही डिमोनोलॉजी और सुपरस्टिशन जो हमें आज भी हमारे इंडिया में ये चीज़ें बहुत हैं, पर ये सबसे पहले जब ये चालू हुई थी मिडल एज में, 5th से लेके 15th सेंचुरी तक ये एज चली, और इसके अंदर डिमोनोलॉजी, सुपरस्टिशंस, इनको बहुत ही ढंग से फॉलो किया जाता था। दीज वर यूज टू एक्सप्लेन एबनॉर्मल बिहेवियर। विच हंट्स वर अ कॉमन प्रैक्टिस, वही भूत भगाने की वही सब तरीके। उसके बाद एक पर्सन अगस्टिन, अगस्टिन ने लिखना चालू किया था हमारी फीलिंग, मेंटल एंग्विश और कन्फ्लिक्ट्स के बारे में। इसी के वजह से जो हम वेस्टर्न साइकोडायनेमिक थ्योरीज आज पढ़ते हैं, और ये जो इन्होंने लिखा, इसी की वजह से लोगों का फोकस उस टाइम पर फिर शिफ्ट हो गया वेस्टर्न साइकोडायनेमिक थ्योरीज की तरफ। वेस्टर्न साइकोडायनेमिक थ्योरीज की बेसिकली शुरुआत इस चीज़ की वजह से हुई थी जो इन्होंने लिखा यहाँ पर, जो फीलिंग्स, मेंटल एंग्विश और कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में उन्होंने लिखकर एक नींव रख दी, एक नई तरीके की स्टडी की कि ये चीज़ें भी हमें सोचनी चाहिए। उसके बाद रेनेसेंस पीरियड आया। रेनेसेंस पीरियड में हमारा ह्यूमनिज्म और क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर, इन चीज़ों के लिए हमारी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ह्यूमनिज्म मतलब इंसानियत, हमारी इंसानियत क्या होती है और हमारा बिहेवियर क्यों होता है, किस वजह से होता है, हम कैसा बिहेव करते हैं, बिहेवियर होता क्या है, इस चीज़ के बारे में लोगों की क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस टाइम पर एक साइकोलॉजिस्ट थे जॉन वीवर, इन्होंने ये माना था कि जो हमारे साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स और डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, अल्टीमेटली वही कॉज बन जाते हैं डिसऑर्डर्स का। साइकोलॉजिकल हमारे माइंड के अंदर चलने वाले कुछ कन्फ्लिक्ट्स और हमारे डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से ही हमें डिसऑर्डर्स होते हैं, ये माना था उन्होंने। उसके बाद एज ऑफ रीज़न एंड एनलाइटनमेंट, ये थी 17th और 18th सेंचुरी में। रीज़न और एनलाइटनमेंट इस नाम से ही पता चल रहा है कि इस टाइम तक हम रीज़निंग ज़्यादा करने लग गए थे, सोच समझने का तरीका हमारा बढ़ चुका था, अब हम भूत प्रेत की चीज़ों से ऊपर बढ़ चुके हैं, साइंटिफिक मेथड्स ज़्यादा समझने लग गए थे लोग। तो इसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स वर यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए अब साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होने लग गए थे, जो पहले कभी भूत प्रेत एंड ऑल होता हुआ करता था। और इसी एज ऑफ रीज़न एंड एनलाइटनमेंट जो कि 17th और 18th सेंचुरी में चली, उसी के साथ साथ और उसके बिल्कुल बाद ही एक नई चीज़ चालू हुई, उसका नाम था रिफॉर्म मूवमेंट्स। उसमें रिफॉर्म आने लग गए, रिफॉर्म अजाइलम जैसे पहले हुआ करते थे उससे बिल्कुल ही बदल गए उस फेज़ में। रिफॉर्म्स इन अजाइलम्स वर इनिशिएटेड इन बोथ यूरोप एंड अमेरिका। अमेरिका और यूरोप के अंदर ये बहुत ही बड़े लेवल पर होने लग गए। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होने लग गया हर जगह पर। इसमें होता क्या था कि जो मेंटली लोग रिकवर हो चुके हैं, जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, उनको बेसिकली कम्युनिटी केयर इसमें प्रोवाइड करी जा रही थी। लोगों को समझाना चालू कर दिया था कि इनको अलग से ट्रीट मत करो, इनको ठीक हो गए तब भी लोग अलग तरीके से उनको देखते थे, अलग तरीके से उनको ट्रीट करते थे। तो ये उस टाइम पर रिफॉर्म्स लाए गए, और ही इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में मेनली यही हुआ कि लोगों की सोच बदली गई अलग अलग तरीके से, कि उन लोगों को आप कम्युनिटी केयर भी देना चालू करो।
सिर्फ ठीक करना ही उन्हें बहुत नहीं है, ठीक करने के बाद सोसाइटी में उनकी दोबारा से वही वैल्यू वापस लाना असली चैलेंज उस टाइम पर रेज हुआ था, और इसको डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ने काफ़ी अच्छे से कवर भी किया। उसके बाद एक आई अप्रोच, इंटरेक्शनल अप्रोच या फिर बायो साइको सोशल अप्रोच। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इन तीन का इंटरेक्शन है और किन तीन का है, बायोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी और सोसाइटी के। तो यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल इन्फ्लुएंस, ये तीनों ही डिसाइड करते हैं कि आपका एक्सप्रेशन किस तरीके का होगा डिसऑर्डर का। आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल इन्फ्लुएंस फैक्टर, ये डिसाइड करता है कि आप किस तरीके का एक्सप्रेशन दिखाएंगे जब वो डिसऑर्डर होगा। फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर्स, यानी कि अब हमने समझना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें एबनॉर्मल बिहेवियर होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है बायोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद एक आता है जेनेटिक फैक्टर, और एक है साइकोलॉजिकल मॉडल। अब ये मेजर यहाँ पर तीन टॉपिक्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर और साइकोलॉजिकल मॉडल। आगे फर्दर साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर ये कुछ और फैक्टर्स हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर ये मानता है कि आपके जो फॉल्टी जीन्स हैं उनकी वजह से कई बार आपका जो नॉर्मल डेवलपमेंट है और फंक्शनिंग है वो इंटरप्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से डिसऑर्डर हमें हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर ये मानता है कि कोई भी सिंगल जीन कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता किसी एक डिसऑर्डर की, यानी कि ऐसे आप नहीं कह सकते कि हाँ इस जीन की वजह से ये डिसऑर्डर हुआ है। सबसे पहले तो वो कोई सिंगल जीन नहीं हो सकता, यानी कि वो मल्टीपल जीन्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ कुछ जीन्स हैं उसकी वजह से हो सकता है, पर बायोलॉजी अकेले कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती कोई भी मेंटल डिसऑर्डर के लिए। उसके साथ साथ और कई फैक्टर्स भी होते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल ये मानता है कि आपके कुछ साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मेंटल डिप्रिवेशन हो किसी को, सीवियर स्ट्रेस हो बहुत ज़्यादा, इस तरीके की कुछ आपकी इंटरपर्सनल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर्स में। यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर अगर हो तो साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये तीन मेजर यहाँ पर टाइप्स इसके अंदर आते हैं फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर। सबसे पहला बायोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद साइकोलॉजिकल मॉडल। अब साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर हमने आगे फर्दर ये सारे और टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है साइकोडायनेमिक मॉडल। तो साइकोडायनेमिक मॉडल सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था, और ये चैप्टर बेसिकली आपस में लिंक्ड है इस बुक में। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये आपस में काफ़ी हद तक लिंक्ड है। तो जिसको चैप्टर 4 समझ है, चैप्टर 2 की समझ है, वो ये इजीली इस टॉपिक को समझ सकता है। तो साइकोडायनेमिक मॉडल हम डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था, और इसके अंदर इन्होंने माना था कि कोई भी जो हमें दिक्कतें होती हैं वो होती हैं हमारी साइकोलॉजिकल फोर्सेस के बीच में क्लैश की वजह से। उसके बारे में हम अनअवेयर होते हैं क्योंकि वो फोर्सेस हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल रही होती हैं। और ये किन फोर्सेस की बात हो रही है, इड, ईगो, सुपर ईगो। अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं याद ये साइकोलॉजिकल फोर्सेस का, तो इस वीडियो पर ऊपर आपको आई आइकन में ये वीडियो मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 2 को डिटेल में पढ़िए, उसके बाद ही इस चैप्टर को आप समझने की कोशिश करना, काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इड, ईगो, सुपर ईगो, वो साइकोलॉजिकल फोर्सेस आपस में क्लैश कर रही होती हैं, उनकी वजह से हमारा कई बार ऐसा बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर सामने आ जाता है। और ये मानते थे कि कोई भी जो भी दिक्कत हमें होती है वो चाइल्डहुड या इन्फेंसी, यानी कि हमारे बहुत पुराने कुछ मेंटल ट्रॉमास या मेंटल हमारे कुछ वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि माइंड में रह गए हों, उनकी वजह से हमें एबनॉर्मल बिहेवियर बाद में फेस करना पड़ सकता है। तो ये था साइकोडायनेमिक मॉडल। उसके बाद है बिहेवियरल मॉडल। तो बिहेवियरिस्ट हमेशा शुरुआत से ये मानते आए हैं कि हमारा बिहेवियर लर्न्ड होता है। लर्न्ड होने का मतलब क्या, कि हमारा बिहेवियर हमने किसी ना किसी तरीके से सीखा है। यानी कि ये मानते हैं कि अबनॉर्मल बिहेवियर इसलिए हुआ क्योंकि हमने माल अडेप्टिव बिहेवियर कहीं से सीख लिया है, और अगर हमने सीखा है तो ऑफकोर्स हम उसे अनलर्न भी कर सकते हैं, और अगर वो अनलर्न हो सकता है तो वो रीलर्न भी हो सकता है, यानी कि हम कोई अच्छा बिहेवियर भी दोबारा से सीख सकते हैं। और वो सीखने के यहाँ पे वेज बिहेवियरिस्ट मानते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन ऐसे टॉपिक्स को हम और फर्दर बेसिकली चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारी थ्योरीज़ को और डिटेल में बताया गया है।
तो उसके बाद आता है कॉग्निटिव मॉडल। ये मानता है कि प्रॉब्लम्स कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। ये लाइन कुछ इलॉजिकल सी लगती है पर ये है लॉजिकल। प्रॉब्लम्स कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, यानी कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकती हैं। यानी कि आप कई बार कुछ इरेशनल थॉट्स और इनएक्यूरेट थॉट्स अपने माइंड में खुद के बारे में रख सकते हो। कुछ एजम्पशंस, कुछ स्पेसिफिक एटीट्यूड आप अपने खुद के बारे में अपने मन के अंदर पक्का बना लेते हो कि ये तो ऐसा ही है। वो होता है इरेशनल और इनएक्यूरेट, तो इसकी वजह से भी आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। यानी कि सिर्फ आपके कॉग्निटिवली माइंड में ही बस वो दिक्कत है, कॉग्निटिव लेवल पर वो दिक्कत है, वो कुछ इनएक्यूरेट और इरेशनल थॉट्स की वजह से, उस सोच की वजह से भी ये बिहेवियर ऐसा पैदा हो सकता है। उसके बाद पीपल मे ऑल्सो रिपीटेडली थिंक इन इलॉजिकल वेज एंड मेक ओवर जनरलाइजेशन, दैट इज़ दे मे ड्रॉ ब्रॉड और नेगेटिव कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल इनसिग्निफिकेंट लेवल। यानी कि कुछ छोटे लेवल पर, यानी कि हम कई बार नेगेटिव कंक्लूजन निकाल लेते हैं अपने माइंड में और जनरलाइज कर देते हैं कि एक चीज़ गलत है तो सब कुछ ही गलत है। तो इस तरीके की कुछ हमारी हरकतें जो हम खुद करते हैं अपने साथ, अपने माइंड में ऐसी सोच रखना, उसकी वजह से भी हमें फर्दर लेटर ऑन फ्यूचर में दिक्कत सहनी पड़ सकती है। तो ह्यूमनिस्ट हमेशा से मानते रहे हैं कि जो भी ह्यूमन है वो फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, कंस्ट्रक्टिव और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चलने वाला, यानी कि एक फुली पोटेंशियल इंडिविजुअल बनने वाला, ये एक उसका बेसिक नेचर है। बचपन से ही उसका नेचर ऐसा होता है, ये मानते हैं ह्यूमनिस्टिक लोग। और एग्जिस्टेंशियल ये बिलीव करते हैं कि फ्रॉम बर्थ वी हैव टोटल फ्रीडम टू गिव मीनिंग टू आर एग्जिस्टेंस और टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, वो इस मतलब कि अपना एग्जिस्टेंस के मीनिंग को नहीं ढूंढ पाते, उनको फिर डिसफंक्शनल लाइफ जीनी पड़ती है। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये लोग ये मानते हैं कि जो पर्सन एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज की तरफ नहीं चल रहा, उसके लिए काम नहीं कर रहा, अपनी लाइफ को एक मीनिंग नहीं दे रहा, कुछ सोच नहीं पा रहा कि क्या है मेरी लाइफ का मीनिंग, वो अल्टीमेटली डिसफंक्शन लाइफ जीता है। यानी कि डिसफंक्शन लाइफ का यहाँ मतलब वही है मेंटल डिसऑर्डर, उसी की वजह से होता है। उसके बाद सोशियो कल्चरल मॉडल। एज पर दिस मॉडल एबनॉर्मल बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ सोशल एंड कल्चरल फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल। तो ऑफकोर्स हमारे सोशल और कल्चरल फोर्सेज होती हैं जो एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती है, हमें इन्फ्लुएंस करती है, तो हमें उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए। फैमिली सिस्टम इज़ वन ऑफ सच फैक्टर्स, कि हमारी फैमिली भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सोशल नेटवर्क इन विच पीपल ऑपरेट ऑल्सो अफेक्ट आर बिहेवियर। हमारा ऑफकोर्स जिसमें भी हम ऑपरेट करते हैं, कोई भी ऐसा हमारा सोशल नेटवर्क जो भी है, जिन जिन लोगों के साथ हम हमारा डील करते हैं, उनसे भी हमारा बिहेवियर काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होता है। इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटेबल लेबल्स एंड रोल्स असाइन टू ट्रबल पीपल। द पर्सन जनरली लर्न्स टू एक्सेप्ट, इंटरनलाइज एंड बिहेव इन डिस्टर्ब्ड मैनर। तो इस वजह से भी कई बार इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटेबल लेबल्स एंड रोल्स असाइन टू ट्रबल पीपल। यानी कि कुछ ऐसे रोल कई बार हम लोगों को दे देते हैं, सोसाइटी हमें दे सकती है, यानी कि कई बार ऐसे कुछ रोल सोसाइटी हमें दे देती है लोगों को ट्रबल करने के लिए। जैसे किसी को कोई बार बार बोलता रहे तू है ही ऐसा, है ही ऐसा, है ही ऐसा, उसको लेबल कर दिया ऐसा, तो लेटर ऑन वो बंदा उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, इंटरनलाइज कर लेता है, उसी तरीके से बिहेव करना भी चालू कर देता है। डिस्टर्ब मैनर में ही वो पर्सन बिहेव करना चालू कर देता है। तो उसके बाद ये एक लास्ट मॉडल है, डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। तो इस मॉडल के अंदर बेसिकली तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो वो कंपोनेंट क्या क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है इसके अंदर डायथीसिस, दूसरा कंपोनेंट है आपकी वल्नरेबिलिटी और तीसरा कंपोनेंट है स्ट्रेसर्स। अब इसका क्या लॉजिक है वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो डायथीसिस का मतलब क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एब्रिएशंस। एब्रिएशन मतलब कुछ अलग होना। तो बायोलॉजिकली जब पहले से ही आपकी बॉडी के अंदर कुछ अलग हो, इट्स मे बी इनहेरिटेड, यानी कि जब पहले से ही बॉडी के अंदर बायोलॉजिकली कुछ अलग पहले से ही हो, यानी कि कोई बायोलॉजिकली आपका कोई जीन फॉल्टी पहले से हो, या कुछ भी चीज़ बायोलॉजिकली कोई दिक्कत आपकी बॉडी के अंदर पहले से हो। उसके बाद दूसरा कॉम्पोनेंट इसके अंदर था वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आप
एट रिस्क पर हो। वो एट रिस्क पे होने का मतलब उस टाइम पीरियड में हो, उस टाइम पर जब वो डिसऑर्डर होने के चांस ज़्यादा है। यानी कि जैसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के होने का एक टाइम पर्टिकुलर होता है कि वो डेवलपिंग ईयर्स में, अर्ली चाइल्डहुड में या एडोलेसेंट तक में हो जाते हैं वो डिसऑर्डर्स, तो वो है होता है एक एट रिस्क का पीरियड। तो सबसे पहला कंपोनेंट इसमें था डायाथीसिस, यानी कि पहले से कोई फॉल्टी जीन या कुछ भी बायोलॉजिकली कोई दिक्कत बॉडी के अंदर पहले से हो। दूसरा वल्नरेबिलिटी भी हो उसकी, कि वो उस टाइम पर ऐसा एक उस फेज़ में हो जहाँ पे कि वो ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा ओपन है ऐसे डैमेजेस के लिए। और तीसरा कंपोनेंट है स्ट्रेसर, कि उसी टाइम पर कोई बाहर से ऐसा स्ट्रेसर भी आ गया जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो गया। तो ये इसका सार यहाँ पर लिखा है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप्स व्हेन अ डायाथीसिस, यानी कि बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन इज सेट ऑफ बाय अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो जब कोई ऐसा डायाथीसिस जो आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है वो आपकी बॉडी के अंदर हो, आप एट रिस्क वाले पीरियड पे हो और उसी टाइम पर बाहर से कोई नया स्ट्रेसर भी आ जाए, तो उस टाइम पर डिसऑर्डर हो जाता है। ये मानता है डायाथीसिस स्ट्रेस मॉडल। तो यहाँ तक हम इस चैप्टर को आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद के टॉपिक्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और उसके बाद बेसिकली सिर्फ डिसऑर्डर्स बचे हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स इस चैप्टर में एक्सप्लेन करे गए हैं। जैसे एंग्जायटी डिसऑर्डर क्या होता है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है, ऐसे अलग अलग भी इसके आगे और कई सारे डिसऑर्डर्स हैं। तो ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो में। पार्ट टू भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा इस वीडियो का। तब तक सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।